इस एपिसोड के शुरुआत में ऊ यंगजू कॉमिक के अंदर जाकर नर्स को जियान को मेडिसिन देने से रोकती है और वो जियान से बताती है ये मेडिसिन नहीं है, इसका अंदर जहर है। तभी नर्स वहाँ से भागने लगती है। मैनेजर उस नर्स को पकड़ने के लिए जाता है। जियान पूछता है, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? वैसे तुम्हारा नाम ऊ यंगजू है ना? ऊ यंगजू बोलती है, नहीं। जियान बताता है, लेकिन तुम्हारा बैज में तुम्हारा नाम लिखा है। ऊ यंगजू बैज को छुपाने लगती है। जियान बताता है, हम फिर से मिले हैं, वैसे तुम कहाँ काम करती हो? ऊ यंगजू बताती है, पहले मैं यहीं पर काम कर रही थी, लेकिन अभी मैं यहाँ काम नहीं कर रही हूँ। जियान बताता है, उस दिन तुम जो कार्ड देकर गई थी, ऐसा नाम का कोई हॉस्पिटल नहीं है। ऊ यंगजू बताती है, ऐसा नाम का एक हॉस्पिटल है, बस आपको पता नहीं है। वैसे मैं वहाँ फुल टाइम काम नहीं करती हूँ, मैं एक फ्रीलांसर हूँ। जियान पूछता है, अगर तुम फ्रीलांसर है तो यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए ना? ऊ यंगजू बताती है, ओ मुझे टीवी देखकर पता चली है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, इसीलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। तभी वहाँ जियान का सेक्रेटरी और मैनेजर आते हैं। सेक्रेटरी जियान से पूछती है, क्या आप ठीक हो? सेक्रेटरी को देखकर ऊ यंगजू अपने मन में ही बताती है, इसका नाम शेंशन है और एक हीरोइन है, और तो और ए जियान का फ्रेंड है। ऊ यंगजू को देखकर सेक्रेटरी शेंशन बताती है, तुम ऊ यंगजू हो ना? वैसे हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो। ऊ यंगजू बताती है, जियान ने कहा था कि अगर ऊ यंगजू दिखने में खूबसूरत है तो दुनिया की कोई भी लड़की खूबसूरत बन सकती है। ऊ यंगजू का बात को सुनकर सेक्रेटरी शेंशन शॉक हो जाती है। फिर वो ऊ यंगजू से बताती है, वैसे तुम्हें स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस से मिलना होगा। ऊ यंगजू जियान को देखकर बताती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी जियान मैनेजर और सेक्रेटरी को बाहर जाने के लिए कहता है। सेक्रेटरी बताती है, आप मुझे ठीक से जानते तक भी नहीं हैं, अगर आपको कुछ हुआ तो? जियान बताता है, मुझे कुछ नहीं होगा, लास्ट टाइम की तरह इसने मुझे फिर से बचाया है। तभी सेक्रेटरी और मैनेजर वहां से जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद ऊ यंगजू बताती है, मैंने तुम्हारे जान को दो बार बचाई हूँ, तो मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, क्या तुम मुझे यहाँ से छुपकर जाने के लिए मदद कर सकते हो? मैं पुलिस से नहीं मिल सकती हूँ। जियान पूछता है, लेकिन क्यों? ऊ यंगजू बताती है, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी कुछ स्पेशल है, मैं एक दिन सब कुछ तुम्हें बता दूंगी, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जियान बताता है, अगर तुम मेरे डिस्चार्ज होने के बाद मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ऊ यंगजू मान जाती है। जियान उसे एक फ़ोन को देकर बताता है, जब मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा तभी मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो तुम आ जाओ। ऊ यंगजू मानकर वहां से चली जाती है। और वो बाहर जाकर वहां से जाने के बारे में सोचते हुए अपने मन में ही बताती है, लेकिन मैं यहां से अपने दुनिया में कैसे जाऊँ? लास्ट टाइम मैंने टू बी कंटिन्यूड देखा था, तो मुझे अभी भी टू बी कंटिन्यूड आने तक वेट करना होगा। ऊ यंगजू को सोचते सोचते वहीं पर 2 महीना बीत जाती है, लेकिन ऊ यंगजू को कुछ पता नहीं चलती है। तभी जियान का कॉल आता है कि मैं आज डिस्चार्ज हो चुका हूँ, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हें मिलने के लिए आ जाऊँगा। ऊ यंगजू बताती है, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल का बाहर हूँ। तभी जियांग उसका कार को लेकर आता है और वो ऊ यंगजू को देखकर बताता है, क्या तुम सच में मेरे लिए यहाँ पर 2 महीने वेट कर रही थी? तुम वही कपड़े क्यों पहन रही हो? ऊ यंगजू बताती है, क्योंकि मेरे पास उतना कपड़े नहीं है, इसीलिए। तभी जियान उसे एक ड्रेस शॉप में लेकर जाता है और वो उसे महंगा महंगा कपड़ा दिलाता है। उसके बाद ऊ यंगजू अकेले बैठकर सोच रही होती है कि मुझे कॉमिक के दुनिया में आकर 2 महीना हो गया है, अभी रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा होगा? और वो अचानक उठकर, कहीं मुझे सब लोग ढूंढ तो नहीं रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ से जाना होगा। वैसे कॉमिक का एंड कुछ अनएक्सपेक्टेड से होता है, तो मुझे कुछ ऐसा ही करना होगा। और वो वहाँ से सीधा जाकर ऊ यंगजू को थप्पड़ मारती है, लेकिन टू बी कंटिन्यूड नहीं आती है। तभी वो सोचकर जियान को किस करती है। किस करते ही वहाँ पर टू बी कंटिन्यूड आता है
उसे देखते ही उयंगजू वहाँ से भागकर एक रूम के अंदर जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। जियान शॉक हो जाता है और वो उयंगजू को ढूंढने के लिए कमरे के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर उयंगजू नहीं होती है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।